नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रतन और आप देख रहे हैं रतन ब्लॉग। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग आ चुके हैं गीता पैलेस। ये रहा गीता पैलेस का पीछे से व्यू, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइस, आज का जो हमारा काम है फिलहाल गीता पैलेस में, और गीता पैलेस कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ तो गाइस, ये जो फिलहाल भवन है आपका पड़ता है कदमतल्ला मार्केट के एरिया में, जहाँ से जो कदमतल्ला सब्जी बाजार है उसी एरिया के पास पड़ता है गीता पैलेस। तो मैं फिलहाल उसको आपको पीछे से लोकेशन दिखा देता हूँ, और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो गीता पैलेस का नंबर है फिलहाल यहाँ आपको शो कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा गीता पैलेस का नंबर, आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैं फिलहाल फोकस कर दिखा देता हूँ। हाँ तो ये रहा कुछ गीता पैलेस का नंबर जो कदमतल्ला बाजार में पड़ता है। तो चलिए मैं इसको अंदर से टूर दिखा देता हूँ। और यहाँ जो नीचे ग्राउंड फ्लोर होता है ये फिलहाल स्टार्टर के लिए यूज होता है, और जो आपका फर्स्ट फ्लोर होता है वहाँ मतलब रिसेप्शन एरिया, जो मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर शादी वादी वहीं पर होती है। और जो सेकंड फ्लोर है आपको नजर आ रहा है, सेकंड फ्लोर में गाइस जो हमारा डिनर एरिया, डिनर और लंच एरिया। और जो थर्ड फ्लोर है वहाँ फिलहाल कोई काम नहीं होता। फोर्थ फ्लोर में गाइस जो लोग रहते हैं, इस भवन के लोग रहते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर से व्यू दिखा देता हूँ। तो अभी गाइस फाइनली मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ फिलहाल दो गेट होती है। अगर आप लेफ्ट वाले गेट से आते हो तो सामने आपको यहाँ बाथरूम दिख रहा है। तो ये रहा जो बाथरूम जो जिसको मैंने जूम किया, ये फिलहाल जो हमारे भवन की मैनेजर है। और लेफ्ट साइड में आपको सीढ़ी, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी मिल जाता है, और सामने एक बेसिन मिल जाता है। और ये जो आपको गेट खुला हुआ है, यहाँ फिलहाल जो खाना बनता है और वॉश एरिया। और सबसे जैसे ही आप दूसरे गेट से इंटर करोगे तो सामने आपको गणेश जी की मूर्ति नजर आ रही है। तो फिलहाल हम लोगों ने पानी की व्यवस्था भी की थी, और साथ में स्टार्टर में गाइस चिकन रेशमी कबाब था, और साथ में स्विस रोल एंड भेज बाबी की था। तो साथ में उसकी आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा जो आज का स्टार्टर का मेन्यू था गीता पैलेस में, और जो कि फिलहाल गाइस बर्थडे पार्टी का काम था। तो यहाँ फिलहाल हमने कॉफी भी किया था, साथ में गाइस नॉर्मल वाटर और ड्रिंकिंग में कोल्ड वाटर का भी व्यवस्था की गई थी। और उसके साथ ही साथ गाइस हम लोगों ने मॉकटेल काउंटर भी किया था, जो कि गाइस कुछ इस प्रकार का दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा मॉकटेल काउंटर, हमारे मॉकटेल के स्टाफ है जो कि हर काम में आप ऑलमोस्ट दिख जाते हैं। और ये जो एरिया है जहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था, ये फिलहाल आपका मतलब कि कुकिंग एरिया जहाँ पर खाना बनता है। और जो लेफ्ट साइड में खाना बनता है, उधर कोने में भी खाना बनता है, बिरयानी हो गया, कबाब हो गया, वो सब बाहर की तरफ बनता है जिससे धुआं कम फैले। और जो हमारा राइट साइड वाला ए वाला एरिया, यहाँ पे वॉश एरिया है, सारे प्लेट बर्तन यहीं पर धोए जाते हैं। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ फिलहाल आप देख पा रहे कि फर्स्ट फ्लोर है, और यहीं पर जो मेन सेलिब्रेशन का काम होता है, जहाँ फिलहाल आप बर्थडे केक कटिंग रिसेप्शन वेडिंग सब यहीं पर होता है। तो कुछ इस प्रकार का शो हो रहा था, जहाँ पर सबसे किनारे में एकदम कोने में लेफ्ट साइड में आपको बाथरूम दिख जाता है। उसके बाद गाइस हम उसी प्रकार सीढ़ियों से ऊपर आएंगे, तो यहाँ फिलहाल आपको एक अच्छा सा झूमर नजर आ जाता है। फाइनली मैं आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पर, जो कि जिस प्रकार नजर आता है। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारा डाइनिंग एरिया है, तो गाइस ये रहा हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड में पान एरिया और कुल्फी एरिया, जहाँ पर गाइस हमारे कुल्फी में था मैंगो कुल्फी, जिसको वीडियो आपको मिल जाएगी आगे की तरफ। और ये रहा हमारा पान काउंटर, जो कुछ इस प्रकार नजर आता है, जहाँ पर सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति नजर आती है, जो कि हमारा बहुत एक तरह से कल्चर का हिस्सा है। इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ गणेश जी की मूर्ति लगाता हूँ, हर जगह मैं गणेश जी की मूर्ति ऑलरेडी लगाता हूँ। तो हमारा पान काउंटर कुछ इस प्रकार नजर आता है, जो कि लाइटिंग वाइटिंग सब मेरे द्वारा की गई है। और यहाँ पर जो हमारा प्लेट काउंटर है, तो हाँ तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि यहाँ फिलहाल आने के दो रास्ते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊँगा। तो हाँ, तो ये फिलहाल प्लेट काउंटर है, ये हमारा बुफे का काउंटर है, जो कि फिलहाल सारे फूड आइटम से तैयार था, और सारे खाना भी ऑलमोस्ट फुल हो चुके थे, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद गेस्ट आने ही वाले थे, तो हम लोगों ने हर चीज़ को ऑलमोस्ट तैयार कर दिया था। तो ये फिलहाल जो बुफे काउंटर है, फिलहाल इसको बुकिंग करना था भाई, इसको अगर आप चाहे तो हमारे साथ इस बुफे काउंटर को ही बुक कर सकते हैं, और चाहे तो आप पूरी की पूरी कैटरिंग को भी बुक कर सकते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा बुफे काउंटर। उसके बाद गाइस हमारा जो आज का मेनू में बेट रसगुल्ला भी था, तो इसके लिए कोने में काउंटर कर दिया था। और ये रहा हमारा स्वीट प्लेट का काउंटर, जो कि स्पेशली हमारे द्वारा सजाया जाता है। और ये रहा हमारा स्वीट काउंटर, जहाँ पर गाइस चटनी पापड़ और जो नॉर्मल स्वीट्स होते वही थे, जैसा पार्टी ने ऑर्डर दिया था उसी प्रकार कुछ डेकोरेशन था। तब तक लेकर हमारा इस प्लेट डेकोरेशन की वीडियो को देखिए। तब तक हाँ मैं बता दूँ, यहाँ पर इस भवन में भवन के दो सीढ़ियाँ है, एक गेस्ट के लिए है और एक आपके लिए स्टाफ के लिए, जो कि उस आदमी के पीछे था जो आपको शुरू में नजर आ रहा होगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, क्योंकि जो गेस्ट वाला एरिया रहता है वहाँ फिलहाल एसी भी चलते रहते हैं, जिसके कारण भाई गेट बार बार खुलने से भाई दिक्कत हो सकती है। और ये रहा मेनू गाइस, जहाँ मसाला कुलचा, चना मसाला और पनीर मलाई करी, उसके बाद गाइस पॉम्पलेट माछ, देन मटन बिरयानी, चिकन चाप, उसके बाद गाइस हमारे साथ रहता है चटनी पापड़, देन बेट रसगुल्ला एंड संदेश। तो इस प्रकार का आज का हमारा जो काम खाना था कंप्लीट हो जाता है। देन आपको मैं अब दिखाता हूँ मैंगो कुल्फी, तो जो कुछ इस प्रकार नजर आता है मैंगो कुल्फी, जो कि बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कुल्फी होती है हमारे लिए, क्योंकि हमारी वन ऑफ द बेस्ट कुल्फी होती है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा और भी टेस्टी लगती है। तो गाइस अब लास्ट में पा रही है पान की, तो यहाँ फिलहाल हमारे मेनू में फायर पान भी था, तो जिसके लिए गाइस सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं हमारे कैटरिंग के मालिक भाई दा। इस फायर पान को गाइस हमारे जो सीनियर भैया रहते हैं, एक अभिजीत नाम के, तो उनको भाई फायर पान खिलाते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको गीता पैलेस इस भवन की फुल वीडियो समझ में आई होगी, इसकी लोकेशन, इसका फोन नंबर सब आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। और वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक ले गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।